हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के सारे एब्रीविएशन की बात करेंगे मैंने इसमें सारे एन के एब्रीविएशन कवर किए हैं सबसे पहला है पीएमसी पीएमसी होता है पोलर मदर सेल इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं एमएमसी होता है मेगास्पोर मदर सेल पीई होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एच होता है ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन एच होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्ट्रोच डब्ल्यू एच ओ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आर सी एच होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एम एम सी होता है मेटर मोर्टैलिटी रेट आई एम सी होता है इनफेट मोर्टैलिटी रेट नेक्स्ट है एस टी डी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वी डी होता है वेनियरियल डिजीज आईओ डी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एम टी पी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एस टी आईज होता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर टी आई होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन पी आई डी होता है पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ए आर टी होता है असिस्टिड रिप्रोडक्टिव टेक्निक आई वी एफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जेड आई एफ टी होता है जयगोड इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर नेक्स्ट है आई यू टी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जी आई एफ टी गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आई सी एस आई इंट्रा साइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन ए आई होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आई यू आई होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एन होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन एम आर एन ए मैसेंजर आर एन ए टी आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए आर आर एन ए होता है राइबोजोमल आर एन एस एन आर एन ए होता है स्मॉल न्यूक्लियर आर एन एच एन आर एन ए होता है हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आर एन ए यू टी आर होता है अनट्रांसलेटेड रीजन एच जी पी होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ई एल एस आई होता है एथिकल लीगल एंड सोशल इशू ई एस टी एस होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स बी ए सी होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाई ए सी होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एस एन पी एस होता है सिंगल न्यूक्लोटाइड पॉलीमॉर्फिज्मी एन टी आर होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट पी एम एन एन न्यूट्रोफाइल जो होते हैं वो होते हैं पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स सी एम आई है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एम ए एल टी होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉय टिश्यू एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम एच आई बी होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस एलाइसा होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉबंट ऐसे एन ए सी ओ होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओस होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सी ऑंक होता है सेलर ऑंकोजीन सी टी होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एम आर आई होता है मैग्नेटिक रेजोनेस इमेजिंग एल ए बी है लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया एस टी है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बी ओ डी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वी आई सी होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बी टी होता है बेचलस टूरजेंसिस आई पी एम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इको आर वन क्या होता है इस कोलाई आर वाई वन थ्री ओ आर आई होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन टी आई प्लास्मेट होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लासमेट पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टैग होता है थर्मस एक्वेटिक्स जी एम ओ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर एन ए आई आर एन ए इंटरफेरेंस होता है ए डी एडिनोसिन डी अमाइनेस होता है जी ई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जी पी पी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एन पी पी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पी ए आर फोटो एक्टिव रेडिएशन जी एफ सी होता है ग्रेजिंग फूड चेन डी होता है Detritus फूड चेन आई होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स आई होप आपको बायोलॉजी के सारे abbreviation समझ आए हो सिमिलर टाइप ऑफ बायोलॉजी के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय